नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अनुराग। आज हम एक खास व्यक्ति से बातचीत करेंगे। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें भूलने में हमें बरसों लगता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम उसे कभी भूल नहीं पाते। आप सबको मालूम होगा 8 सितंबर 2017 की बात, जब हरियाणा के गुड़गांव में एक प्रतिष्ठित स्कूल रियान में एक बच्चे प्रद्युम्न ठाकुर की निर्मम हत्या हो गई थी। और उसके बाद उस घटना को लेकर पूरे देश में एक माहौल बना था, उसकी चर्चा हुई थी। अब हम उस घटना को लगभग भूलते जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो उस हत्या को लेकर अपना संघर्ष जारी किए हुए है, उसकी जांच को लेकर सक्रिय है, और वो व्यक्ति है प्रद्युम्न के पिता वरुण चंद ठाकुर। आज हमारे साथ वरुण चंद ठाकुर है। हम इनसे जानेंगे कि उस केस की हालिया स्थिति क्या है और उसमें अभी क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। वरुण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आपने ये मांग की थी कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई गाइडलाइंस या ऐसे नियम बनाए जाएं ताकि बच्चों के साथ जिस तरह की घटनाएं स्कूलों में घटती है, प्राय हमें ऐसे घटनाएं सुनने को मिलती हैं, उन्हें रोका जा सके। और बेशक प्रद्युम्न को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन भविष्य में बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी की जाए, इसके लिए कुछ ऐसे सुरक्षा के नियामक तय किए जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया है, और उसने ऐसे गाइडेंस बनाने के लिए अलग अलग एजेंसियों को निर्देश भी दिए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस घटना, जो प्रद्युम्न की हत्या की घटना थी, उस हत्या की घटना के बाद लगभग सभी पेरेंट्स डरे हुए थे, यहाँ तक कि बच्चों के मन में भी भय था। और जो एक विश्वास था उससे पहले लोगों के मन में बच्चों को स्कूल भेजते हुए, वो कहीं ना कहीं हिल चुका था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट इसी प्रार्थना के साथ गए थे कि इस तरह की घटनाओं में स्कूलों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था, ऐसी गाइडलाइंस सेफ्टी से रिलेटेड, बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड पूरे देश के लिए निर्धारित हो, जिससे इस तरह की घटनाओं का की आगे पुनरावृत्ति ना हो सके। उस हमारी जो पिटीशन थी, उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था, और उन्होंने इस मामले की सुनवाई करते हुए अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनको ये निर्देश दिए हैं कि आप आने वाले 6 महीनों के अंदर बच्चों की सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइन फ्रेम करें, और वो गाइडलाइन इस देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए मानना बाध्य होगा, और स्कूलों को उन गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बच्चे के साथ हुआ, शायद अब इस गाइडलाइन के फ्रेम होने से और उसके पालन होने से शायद इन घटनाओं पर रोक लग सकेगी। वरुण जी, इस घटना के बाद से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है, और आप निरंतर उसके लिए संघर्षशील हैं, और आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, और इसके लिए आप तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। आपने एक प्रद्युम्न फाउंडेशन भी बनाया है, कई लोग मिलकर उसमें आपके साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूँगा कि आपके आगे की रणनीति क्या होगी, आप इसको लेकर, इस मामले को लेकर आगे किस तरह के प्रयास करते रहेंगे? देखिए, हमारे देश में आमतौर पर देखने को ये मिलता है कि नियम और कानून तो बने होते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता, और उनको मॉनिटर करने वाला, उस पर सख्ती से अमल हो सके, इन चीज़ों के प्रति किसी का ध्यान नहीं होता। तो हमने प्रद्युम्न फाउंडेशन की जो स्थापना की, वो इसी सोच के साथ की कि आने वाले समय में जो ये निर्देश बनेंगे या जो निर्देश हैं स्कूलों के लिए, जिसको स्कूलों को मानना चाहिए और जिससे इस तरह की घटनाओं पे रोक लगेगी, उन निर्देशों को स्कूल पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को हम वॉच करेंगे इस फाउंडेशन के तहत। और जहाँ पे भी हमें इस नियमों का पालन करने में कोताही दिखेगी, वो हम जो कंसर्न अथॉरिटी हैं, जिसका अधिकार बनता है उन चीज़ों का अनुपालन करवाने का, उन निर्देशों का, उसको तत्काल
मतलब इन्फॉर्म करेंगे और चाहेंगे और ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि उस शिकायत पे उस जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस पर तुरंत कार्रवाई हो और जो स्कूल इस तरह की ढिलाई बरत रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच के लिए आपने शुरू से सीबीआई जांच की मांग की और आपका कहना था कि बेशक राज्य सरकार की पुलिस सक्षम है लेकिन यह मामला इतना संवेदनशील है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। क्या आप सीबीआई जांच से संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक की जो सीबीआई की जांच है वो तो संतोषप्रद है क्योंकि जो पुलिस की इंक्वायरी स्टार्टिंग में हुई थी और जो थ्योरी उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, जो रीज़न बताया था हत्या का, वो कहीं भी हम लोगों को हमें ही क्यों पूरे देश को वो समझ में नहीं आ रहा था और उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब सीबीआई ने मामले को हैंडओवर लिया और इंक्वायरी शुरू की तो थ्योरी बिल्कुल पुलिस के विपरीत आई और जिसको पुलिस ने इस मामले में गवाह बनाया था वही दोषी पाया गया और सीबीआई ने उसको अप्रिहेंड भी किया है और वो अभी जेल में है लड़का और उस पे मामले में आगे भी इंक्वायरी चल रही है। अब जो इंक्वायरी सीबीआई की चल रही है वो इस डायरेक्शन में है कि उस समय पे जो राज्य सरकार की पुलिस ने इंक्वायरी की वो इंक्वायरी में क्या ऐसे लैप्सेस थे, किन चीज़ों को वो पुलिस ने छोड़ दिया जिसकी वजह से जो असली आरोपी था, जो असली हत्यारा था, वो उनके हाथ से बच गया और एक निर्दोष को उन्होंने इस हत्या के मामले में अरेस्ट किया था। तो हम ये पूरी उम्मीद है हमें कि पुलिस सीबीआई जो है, जो पुलिस के माध्यम से गलतियां हुई या जानबूझ के की गई, उन सब में जो दोषी हैं, जो पुलिस वाले दोषी हैं, उन पे भी चार्ज फ्रेम करेगी आने वाले समय में और जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जो स्कूल के एंड पे लैप्सेस थे बच्चों की सुरक्षा को लेके जिसकी वजह से ये घटना हुई, उन दोषों के आधार पर स्कूल मैनेजमेंट पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अच्छा, इस पूरे मामले में जो सबसे पहले एक खबर आई और जिसमें कि जो बस कंडक्टर था अशोक जिसको अभियुक्त बनाया गया पुलिस ने सबसे पहले, लेकिन आपने शुरू में ही ये कहा था कि अशोक इसमें दोषी नहीं है बल्कि दोषी कोई और है। यह एक बहुत उल्लेखनीय बात है कि आपने शुरू में ऐसा कहा और बाद में सीबीआई जांच में भी इस बात को स्वीकार किया गया और फिर चीज़ें बदल गई। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये कैसे लगा कि जो कंडक्टर अशोक है वो इसका मुख्य अभियुक्त नहीं है? ये घटना का जो समय था, चाहे वो ड्यूरेशन, और पहला ड्यूरेशन 10 मिनट की घटना थी ये, जब मैं बच्चे को स्कूल छोड़ के आया था और जब मुझे इस बात की सूचना मिली थी, और जो पुलिस की थ्योरी आई थी कि उसने बच्चे के साथ मोलेस्टेशन की कोशिश की, उसके बाद बच्चे की हत्या की, उसमें फेल हुआ उसके बाद, तो वो कहीं ना कहीं मतलब समझ में आ नहीं रही थी क्योंकि वो समय ऐसा था जिस समय पे स्कूल की शुरुआत होती है, वो बाथरूम जहाँ पे घटना हुई थी वो बिल्कुल कॉरिडोर में है और वहाँ पे लोगों का आना जाना उस समय पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, स्टूडेंट्स, टीचर्स, तो ऐसी परिस्थिति में और इतने कम समय में मतलब इतनी सारी चीज़ों का घटना और किसी को इस बात की खबर नहीं लगनी, मतलब पता नहीं चलना, अगर बच्चे के साथ मोलेस्टेशन ट्राई किया गया होता तो बच्चे ने आवाज़ किया होता, शोरगुल किया होता और किसी ने नहीं सुना और मतलब सारी घटना जो हुई वो कहीं ना कहीं इस तरफ मतलब बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन में मतलब इंडिकेट करती थी, इंडिकेशन थी कि जो पुलिस की थ्योरी है वो गलत है और जो जिसको वो कातिल कह रहे हैं वो सही मायने में कातिल नहीं है। बरुण जी, अक्सर हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं घटती हैं और समाज ऐसी घटनाओं को लेकर बहुत सक्रिय होता है, अपनी संवेदनशीलता भी दिखाता है और इस घटना को लेकर भी काफ़ी सक्रियता रही, लोगों ने इसमें आपके साथ खड़े होकर अपना सहयोग दिया और इस मामले को सभी ने कहा, इसकी निंदा भी की और सबने कहा कि इस पर कड़े से कड़े कार्रवाई की जरूरत आवश्यकता है। जी, आप प्रबुद्ध समाज से कैसी अपेक्षा रखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि समाज को इसमें किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए? देखिए, जो इस उम्र के बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटती हैं वो बच्चा अपने आप में सक्षम नहीं है अपनी हिफाजत करने के लिए, तो अगर उस उम्र के बच्चों को हमें सुरक्षित करना है तो हमें ये देखना होगा कि हम उसके लिए कैसी व्यवस्था स्थापित करते हैं
और जिसके अंतर्गत बच्चे सुरक्षित हो पाएँ। तो कहीं ना कहीं इसमें जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है या जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, जो पेरेंट्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और आगे आकर इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए सरकार पे जो अथॉरिटीज़ हैं इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, उनको मतलब क्वेश्चन के दायरे में खड़ा करना पड़ेगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ईमानदारी के साथ फुलफ़िल करें, जिससे हमारे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं जो घटती हैं आए दिन, उन पर रोक लग सके। और ये जब तक मतलब एक सोसाइटी से ये आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक मुझे लगता है कि ये इस तरह की घटनाओं पर रोक लगना या जो अथॉरिटीज़ हैं जिनकी ड्यूटी है इस तरह की चीज़ों को पे रोक लगाना, मॉनिटर करना, वो शायद ही एक्टिव होंगे। तो इसलिए मैं सभी पेरेंट्स, जो प्रबुद्ध वर्ग है हमारे समाज का, उन सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं पे रोक लगाने के लिए वो आगे आएंगे और जो भी मतलब एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं वो मतलब ऑनेस्टली फॉलो हों, मतलब वास्तविक धरातल पर फॉलो हों, उस संदर्भ में जो मतलब आपको कदम उठाने चाहिए वो उठाएंगे। आपने इस मामले को लेकर अपनी सक्रियता और अपने संघर्ष तो जारी रखा है, साथ ही साथ आपने एक प्रद्युम्न फाउंडेशन का गठन भी किया है जिससे समाज के कई लोग जुड़े हैं और आपके साथ उसमें खड़े हैं। इस प्रद्युम्न फाउंडेशन का मूल उद्देश्य क्या है, आप इसके जरिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जब हमारे बच्चे के साथ ऐसी हत्या हुई थी और हमारे परिवार पे जब ये समय आया था, तो उस समय पे हम लोग बहुत असहाय फील कर रहे थे, क्योंकि एक जनरल फैमिली जो आम आदमी है, जो दिनचर्या में अपने दिनचर्या में इतना व्यस्त है कि बाकी की चीज़ों के लिए उसके पास समय नहीं है, वो जब ऐसी परिस्थिति में आता है तो उसे बहुत मतलब मदद की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि वो इस मामले में जस्टिस के लिए किस तरीके से, किस डायरेक्शन में आगे बढ़े। जो गाइडेंस हमें कई समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिला और हम आज इस मामले में इस हद तक पहुंचे हैं जहां पे एक न्याय की उम्मीद हमें जगी है कि हमारे बच्चे के साथ न्याय होगा। तो इस तरह की घटना, देखिए, पूरी तरीके से रोक लगेगा, उसमें समय लगेगा, तो हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं से जो परिवार पीड़ित हैं, उन परिवार को जिस तरह का गाइडेंस, जिस तरह की मदद हमें समाज से मिली, वही मदद हम प्रद्युम्न फाउंडेशन के बैनर के तले इस तरह के परिवारों को मुहैया करा सकें। पहला उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है, जिसमें हमने काफ़ी हद तक सफलता भी हासिल की है। जब लोगों को इस फाउंडेशन के बारे में पता चला, तो आपको बताऊं कि एक एल्कॉन पब्लिक स्कूल में पिछले दिनों घटना हुई थी जिसमें बच्ची ने सुसाइड किया था, उन पेरेंट्स को भी हमने सपोर्ट किया। एक अंबाला में बच्ची के साथ किडनैपिंग और मर्डर की घटना हुई थी छोटी बच्ची के साथ, वो पेरेंट्स प्रद्युम्न फाउंडेशन को ढूंढते हुए गुड़गांव तक आए, मेरे घर तक आए, और उनको जिस तरह की मदद चाहिए थी, जिस तरह की उन्होंने गाइडेंस की हमसे उम्मीद की थी, वो गाइडेंस हमने उनको प्रोवाइड किया। तो इस तरह के 2-3 केसेस हैं जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने उस पीड़ित परिवार की मदद की है, जिस तरह की मदद उन्होंने चाही या जो मदद संभव हो सकती थी वो हमने की है, और आगे भी इस तरह की घटनाओं में हम मदद करते रहेंगे। साथ ही जो दूसरा मेन उद्देश्य है इस फाउंडेशन का, वो ये है कि इस तरह की घटनाओं पे किस तरह रोक लगे। हम आए दिन जब से ये घटना हुई और जब से हमने इस फाउंडेशन का संगठन किया है, को मतलब स्थापना की है, तब से मैं इन चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो मैंने देखा है कि समय समय पे कई सारी गाइडलाइंस हैं जो आज भी वायलेटेड हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आपको फ़िलहाल की एक घटना बताऊं, तो आप अगर CBSE की गाइडलाइन, स्टेट्स की गाइडलाइन देखेंगे, तो वो कहते हैं कि स्कूल के बसों की स्पीड 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव के ही पटौदी रोड पे एक स्कूल है, सूरज स्कूल, उसकी एक बस ने मतलब तेज़ गति से आते हुए एक स्कॉर्पियो को हिट किया, जिसमें एक महिला की डेथ भी हो गई और एक बच्चे को भी चोट आई। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, मतलब जो गाइडलाइंस हैं वो इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं है, उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसकी इम्पॉर्टेंस को समझा जा रहा है कि नहीं समझा जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये फाउंडेशन इस क्षेत्र में काम करेगा कि गाइडलाइंस, जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसको क्यों फॉलो करना चाहिए, और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको किस तरह से फॉलो करवाया जाए या उस पर क्या पेनल्टीज बनती है, क्या एक्शन बनता है, वो एक्शन एग्जीक्यूट हो। चलिए, हम आपके इस फाउंडेशन को समर्थन हमारा भी रहेगा, और बेशक
ऐसे गाइडलाइंस की आज आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई वो कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, बल्कि उसके बाद भी दिल्ली के स्कूलों में, बल्कि देश के अन्य क्षेत्र के स्कूलों में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और यदि इसके लिए सक्रिय रूप से एक ऐसा वातावरण नहीं बनाया गया, इसके लिए यदि समाज सक्रियता ना दिखाए, तो शायद फिर ये बात आई गई हो सकती है। इसीलिए हम वरुण जी को इस बात के लिए उनका समर्थन करेंगे कि वो सक्रिय हैं और दुख के ऐसी विवश स्थिति से निकलकर अपने आप को सक्रिय बनाए हुए हैं, और वे चाहते हैं कि इस फाउंडेशन के जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके और फिर भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कोई ना कोई नियम एक बने जिनका पालन स्कूल करे। हम फिर आगे भी इस मुद्दे पर वरुण चंद ठाकुर जी से बात करते रहेंगे और हम इस पर देखेंगे कि आगे इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई सरकार कर रही है, किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।